नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हंगामा टाइम्स न्यूज है। रुक करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर, और ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। मोदी जी के गृह मंडल से हम लोग प्रशासन को पत्र देते देते जिला अधिकारी के मेन गेट पर आमरण अनशन करते थक गए हैं। कल 19 तारीख 20 तारीख को मैं और मेरे मित्र हम लोग आत्मदाह करेंगे, समय 11 बजे विधानसभा भवन के सामने। क्या आखिर क्या ऐसी समस्या हो गई कि आपको इस तरह की निर्णय लेना पड़ गया? क्योंकि हम लोग कोई वहाँ सुनता नहीं है, पैसा चाहिए उन लोगों को, हम लोगों के पास पैसा नहीं है। किसको आपने जानकारी दिया है अपनी समस्या के बारे में? माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लेकर, राज्यपाल महोदय से लेकर, गृह मंत्रालय से सबको मैं पत्र भेज करके 10-10 बार अवगत करा चुका हूँ, अब तक कोई कार्रवाई निर्णय नहीं आया। समस्या क्या है? समस्या जमीनी संबंधी, हम गांव में जो हमारे गांव में अवैध कब्जाधारी है उसी तरह हमारी भी संपत्ति कब्जा कर ली गई है। हम प्रशासन तो किसने कब्जा किया है? मेरे भाइयों और मेरे गांव के कुछ लोगों ने। आपके भाई ने कैसे कब्जा कर लिया? आपके पिताजी के दो लोग एक साथ हैं और मैं अकेला हूं, प्रशासन हमारा कोई सहयोग नहीं करता है। उल्टे जाने पर कहता है दो लोग हैं, आप बात समझते नहीं हो। हम कहते हैं मौके पाकर देख लीजिए, गलती हो तो मेरे जेल भेज दीजिए, नहीं हो तो मेरा न्याय कर दीजिए। तो अब आपका आखिरी उपाय क्या है आपके पास? मैं आत्मदाह करूंगा विधानसभा भवन के सामने 20 तारीख को समय 11 बजे। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र। सुरेंद्र, क्या मामला है आपका, क्या समस्या है, क्यों आत्मदाह करना चाह रहे हैं? हमारा हक जो है वीसा, अब कुछ कब्जा कर लिया है। कौन किया है कब्जा? हमारा भाई राम प्रताप। आपके भी भाई किए हैं, इनके भी भाई किए? अच्छा, दे रहा हूँ। हम कहते हैं उसमें चक्रोट है, चक्रोट छाट के हमारा हिस्सा दे दिया जाए, तो चक्रोट नहीं छाटते हैं, इधर उधर नापते हैं और नहीं तो गाली गुप्ता सब देते हैं। अच्छा, तो इसलिए आप लोग आत्मदाह करेंगे? आत्मदाह। बाकी जिले के अधिकारी को आप लोग सूचित कर चुके हैं? हाँ, सूचना दे चुके हैं। चलिए, आपकी आवाज़ को